ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइस से। आइस में व्हाइट वाला क्वेश्चन ही ड्रॉ करना है अपन को। तो इसका मेजरमेंट कहाँ पे कट कर रहा है, और स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है इस पॉइंट से। तो इसका मेजरमेंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट है 0.5 सेंटीमीटर ऊपर, पॉइंट नंबर 5.5 पे इधर। ठीक है, फिर कितने नीचे कट कर रहा है इसको, 0.4 सेंटीमीटर। और फिर इसका मेजरमेंट क्या आता है, ये आता है 1.1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, 1.1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट। और नीचे यहाँ पे आई कट कर रही है, इसका मेजरमेंट आता है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को 3 मेजरमेंट्स मिल गए, लेकिन अब करें क्या, इनको ज्वाइन कैसे करें? तो पीछे से जो आएगा, पीछे से स्टार्ट करो, इस तरीके से ज्वाइन किया, ये आ गया है, और एकदम से नीचे नीचे की तरफ गया ये। ठीक है, ये नीचे वाला थोड़ा नीचे आया, फिर फ्लैट कर्व होते हुए इस लाइन को कट किया, थोड़ा आगे आया और टिप बनाने के लिए फिर ये भी एकदम से ऐसे नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे कर्व आएगा, अपन को आईलैशेस के लिए जगह देनी है, तो नीचे की तरफ हल्का हल्का से ऐसे कर्व किया, आगे की तरफ ज्वाइन किया, सेम चीज ऊपर में भी हल्का से ऐसे कर्व करते हुए ले गए, तो बस यहाँ पे ऐसे डिसअपीयर सा हो गया, क्योंकि तो यहाँ पे अभी अपन आईलैशेस देंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया भरा हुआ है। आयरिस का क्या है, आयरिस का यहाँ से कर्व करा, इसकी लेंथ देख लो कितनी उस पे है, 0.5 सेंटीमीटर बाद यहाँ से कर्व करते हुए ऊपर। प्यूपल जो है, प्यूपल यहाँ पे है सेंटर में, ये बनाया। इसके बाद राइट वाली बनाएंगे अपन, राइट वाली बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ कर, यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ये आयरिस का कर बनेगा। तो प्यूपल भी यहाँ पे बनाएंगे अपन, ये जो ऊपर वाला डार्क एरिया है उसके भी कर्व्स बना दो इस तरीके से, हल्के से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर। ओके, आई लैशेज अभी बनाते हैं अपन, पहले आईब्रोज देख लो, साथ साथ में आईब्रोज भी बना देते हैं। आईब्रो के लिए मेजरमेंट देखो कि कितना नीचे है, ये 1 सेंटीमीटर, और आईब्रो की आगे विथ है 1 सेंटीमीटर। आईब्रो कितने नीचे है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से कट करते हुए निकलना है, तो हल्के से ही ड्रॉ करना, बहुत लाइटली। किया उसके बाद यहाँ पे ओके, इतना सा अपन ने एक शेप ड्रॉ कर लिया। अभी आईलैशेस लगाते हैं, उससे पहले इतना कर लो। देखो आईलैशेस ड्रॉ करना, लेफ्ट वाले में क्या करूं, आगे की तरफ निकलेंगे इस तरीके से, थोड़ा जूम करता हूँ, मैकेनिकल पेंसिल से बनाओ, और इतने अच्छे बनाना है कि एकदम फाइनल लेयर टाइप बना रहे हो। ठीक है, थोड़े बड़े रहेंगे, देख सकते हो कि ये इस ब्लॉक को टच कर रहा है और इस ब्लॉक में आधे तक जा रहे हैं, तो बड़े रहे, ऐसा नहीं कि अब एक दो छोटे बना दिया, नहीं, अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन जाने लगेगी इनकी इस तरीके से। एकदम बीच में गैप नहीं छोड़ना है, ओके? पीछे की तरफ जाएंगे, यहां से धीरे धीरे ट्रांजिशन करो, और थोड़े बड़े बड़े बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अब
यहाँ से अगर इनकी हाइट देखो, इनकी हाइट आ रही 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 यहाँ तक। पीछे की तरफ जाने लगेंगे तो ऐसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं ये। यहाँ पे पीछे की तरफ, अब यहाँ पे एक स्केल रख लो ताकि जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं वो यहाँ पे ना आए इस पेपर वाले पोर्शन में, ताकि जहाँ तक नॉर्मल स्ट्रोक्स जा रहे हैं हाँ ये स्ट्रोक्स जाए, और जैसे अभी ये एरिया आ जाए तो वहाँ पे बस इस तरीके से फिल करना स्टार्ट कर दो स्ट्रोक्स बाकी के। ओके, नीचे वाले एरिया में अपन शेड करेंगे और उसके बाद इस तरीके से हल्के हल्के इसमें देख सकते हो एक आध दो ऐसे आईलैशेस आ रहे हैं। ठीक है, राइट वाले में इस तरीके से ऊपर की तरफ कर्व करते करते ले जाएंगे, और इस लाइन के उस पार नहीं जाने चाहिए, सेम चीज नीचे की तरफ। ओके, इस तरीके से अपन ने आईलैशेस वाला पोर्शन भी ड्रॉ कर लिया, तो इतना कर लो। इसके बाद अपन ग्रेड इरेज करते हैं और शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिंगर नेल्स जो है उनको तो नॉर्मली अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इसे अपन डार्क करने लग गए तो बहुत ज्यादा फैलेगा, तो वो अपन एंड में करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है पहले फिंगर नेल्स के सराउंडिंग में HB पेंसिल से कर रहा हूँ शेड। ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा हाईलाइट में जाएगा, इसमें एल शेप दिख रहा है, ये हाईलाइट, ये भी हाईलाइट, और फिर ये ऊपर का पोर्शन दोबारा। तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे शेड करते हुए ठीक है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर भी किया और हल्का हल्का इस बॉर्डर पे किया ताकि ब्लेंड करने में आसानी रहे अपन को, इस तरीके से। फिर आते हैं फिंगर्स वाले पोर्शन पे, इस तरीके से यहाँ स्टार्ट किया, बस यहाँ रुक गए। ये देख सकते हो पूरा डार्क एरिया टाइप है, तो यहाँ पे अपन रुक गए, पहले इस एरिया को पूरा फिल किया। ठीक है, फिर नीचे नीचे से ले गए। अब अपन को क्या करना, हल्का हल्का ऊपर का शेड करो, ऊपर से नीचे आए, और फिर ये वाले पोर्शन को एल शेप में छोड़ना, तो यहां से ले गए इतना पोर्शन फिल करा। ठीक है, ताकि एल शेप जो अपन को छोड़ना था वो आ गया, सेम चीज यहां करेंगे। अब ऐसे मत करना कि ये जो आगे तक ला रहे हो इसमें देखो दोनों कंपेरेबल जगह पे, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा आगे पीछे है, नहीं ये यहां तक तो शेड एटलीस्ट फिल करना ही है अपन को। ये ऊपर वाला पोर्शन शेड किया, ठीक है, फिर से इसे अपन ऐसे शेड करते हुए ले गए। पीछे पीछे भी शेड किया हल्का हल्का, ये एल शेप छोड़ दिया अपन ने। ये बहुत स्मूथली ब्लेंड करना होगा अपन को ताकि एकदम परफेक्ट जो शेड रहता वो आ सके। यहाँ पे भी करेंगे अपन, ये वाले पोर्शन में यहाँ पे हाइलाइट्स छोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसे ब्लेंड करना है, तो जितना फेस पे आए या फिर बाहर जाए उसे इरेज करना और इसको स्मूथली ब्लेंड करो। हो सके तो कॉटन से कर लो और बेटर है, वरना ब्रश से भी कर सकते हो, बस थोड़ा कंटिन्यूसली चलाते रहो। बॉर्डर बॉर्डर पे आराम से करना, हाईलाइट को ऐसे पूरा नहीं भरना है, हल्का हल्का छोड़ते रहना है, ठीक है, ताकि दिखता रहे अपन। सेम चीज पहले फिंगर नेल्स वाले पोर्शन के पास किया अपन ने इस तरीके से।
यहाँ यहाँ शेड करते गए, यहाँ पे ब्लेंड किया, हल्का हल्का एंडिंग में शेड कर देना ताकि ये ज्वाइन हो सके। ये जो बाहर निकलते जा रहे हैं शेड, उसे ऑन स्पॉट इरेज करते जाओ ताकि फिर अपन ये नहीं चाहते कि अपने चेहरे पे कुछ भी ऐसे दाग धब्बे टाइप दिखे। इस तरीके से सेम चीज यहाँ पे भी करते जाएंगे। पीछे वाले पोर्शन पे ऐसे कर्व करके करते जाओ, धीरे धीरे यहाँ पे सर्कुलर करो, एकदम से नहीं भरना है अपन को। और ऐसा भी नहीं कि जो एल शेप में अपन ने बॉर्डर छोड़ी थी वो बहुत ज्यादा एकदम शार्प हो जाए, उसके सराउंडिंग में भी करते रहो ताकि वो धीरे धीरे लगे, ऐसा लगे कि हल्के से छोड़ा है अपन ने, जैसे साइन आ रहा है ऊपर लग रहा है ना अपन को, सेम वही चीज तरीके से यहाँ पे नीचे नीचे। इतना फिंगर्स हो जाते हैं अपना, फर्स्टली ये बाहर जो ग्रेफाइट निकल रहा है उसे इरेज कर लो, और पहले इतना करो। टू बी पेंसिल लिया अपन, तो पहली बात तो थोड़े नेल्स के आसपास करो, और बहुत ज्यादा ऐसे डार्क नहीं करना, और ब्लेंड करते हुए लाना, ऐसा नहीं कि एकदम से लेयर लाइन सी बना दिया अपन ने, उसे आसपास सराउंडिंग में ब्लेंड करो, ऐसे ये डार्क है तो आसपास आसपास थोड़ा लाइट लाइट करते जाएंगे। ये डार्क वाले पोर्शन में अपन ने स्टार्ट किया करना, इसे हल्का हल्का लाइट करते करते ऊपर ले गए, ऊपर ऊपर हल्का डार्क टू लाइट नीचे की तरफ लाए। ओके, सेम चीज अब नीचे वाले फिंगर में, यहाँ पे आगे के पोर्शन को डार्क करेंगे अपन। लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा डार्क, हल्का हल्का लाइट करते चले गए आगे नीचे की तरफ लाइट, सेम चीज यहाँ पे शेड किया ऊपर की तरफ लाइट करते हुए लेके हल्का हल्का पीछे इसे मिक्स किया। तीसरे फिंगर पे आते हैं, इसको भी स्मूथली फिल करेंगे अपन। ये पीछे का हिस्सा जो डार्क दिख रहा है यहाँ पे, अभी से हल्का हल्का अटैक कर लो, फिर आगे की तरफ लाइट शेडिंग करते हुए ले आओ ताकि ब्लेंड हो जाए। या बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कह रहे हैं पीछे की तरफ जो है ना, जो कर्व सारे वहां पे भी हल्के हल्के से शेड करो, और उसे भी ऊपर की तरफ ले जाओ ताकि ये ब्लेंड हो जाए, एकदम डार्क ना लगे। इस वाले पोर्शन में नीचे की तरफ ज्यादा डार्क पोर्शन है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे तो हल्के हाइलाइट्स है, ऊपर वाला पोर्शन नहीं करेंगे अपन, अपन इसमें सिर्फ नीचे नीचे वाला पोर्शन करेंगे ऐसे। ऐसे लाइटली लाइटली ऊपर लेते जाएंगे। ठीक है, एक और लेयर दे दिया अपन ने, इसे भी अपन जेंटली ब्लेंड कर लेंगे आराम आराम से, इसे आराम आराम से शेड कर, शेड जिस तरीके से किया है ये वाले पोर्शन में, ठीक है, ब्लेंड किया। और फिर जो अपन ने एल शेप छोड़ा था ये वाला, उसकी सराउंडिंग में बहुत ज्यादा टू भी नहीं भरना है अभी अपन को, इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए ले जाएंगे।
आगे के पोर्शन में अच्छे तरीके से शेड कर लो, लेग सॉरी, ये जो डार्क करना है अपन को यहाँ पे, उस पर अच्छे से ब्रश चलाओ ताकि वो स्मूथ हो जाए। जो एल शेप अपन ने छोड़ा है उसके सराउंडिंग में आराम से ब्लेंड करना, बहुत ज्यादा नहीं फिल करना और रफ नहीं करना है अपन को। नीचे वाले पोर्शन में किया, इस तरीके से किया और ये अपना हो जाता है। तो हल्का हल्का कॉटन से भी ब्लेंड कर सकते हो, जैसे मेरे ये वाला पोर्शन अभी भी रफ लग रहा है, मैं इसे कॉटन से ब्लेंड करूंगा सराउंडिंग्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये अपनी एक और लेयर हो जाती है।